हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम प्रॉब्लम लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉब्लम है जो कि बेस्ड है हमारा रोटेशन ऑफ कंपोनेंट पे। रोटेशन कंपोनेंट पे जो ओमेगा लेकर हमने अभी कुछ इससे पहले लेक्चर देखा था, रेक्टेंगुलर रोटेशन कंपोनेंट, उस पे न्यूमेरिकल है। क्योंकि ये जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो, इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आपको, न्यूमेरिकल से ही आपको थ्योरी समझ में आएगा। थ्योरी में बहुत काफ़ी प्रॉब्लम आती है, सबको आती है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आना चाहिए, फिर भी पहले थ्योरी ही समझना, देन न्यूमेरिकल पोर्शन पे आना, तब आपका जो भी कॉन्सेप्ट और डाउट्स होंगे वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है यहाँ पे, डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ रोटेशन फॉर द फ्लोइंग फ्लूइड पर टर्निंग टू द फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। यू दिया हुआ है, वेलोसिटी वी दिया हुआ है एंड द वेलोसिटी डब्ल्यू दिया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड में। ए क्या है, ए जो देखो इसमें वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, ये तो डायरेक्शन बता रहे हैं। ए क्या है, ए इज़ द न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट, कोई कॉन्स्टेंट है। अब आपको कमेंट करना है वेदर द फ्लो इज रोटेशन और ई रोटेशन। यू वी डब्ल्यू जो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड निकालना पड़ेगा, रोटेशन कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप रोटेशन कंपोनेंट निकाल लोगे तब उस कंपोनेंट को देख के उसे सॉल्व करके आपको बताना होगा कि आपका जो ये वेलोसिटी दिया है, आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो कंडीशन में है और रोटेशन कंडीशन में है या ई रोटेशन कंडीशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास गिवन है U इज इक्वल टू ए वाई जेड, V इज इक्वल टू ए जेड एक्स एंड W इज इक्वल टू ए एक्स वाई, ठीक है। ये गिवन है, हमें बताना है जो वेलोसिटी कंपोनेंट दिया है, हमारा जो फ्लूइड होगा वो रोटेशन है या रोटेट है, रोटेशन है या ई रोटेशनल है, ठीक है, रोटेशनल है या ई रोटेशनल है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड निकालेंगे। हम निकालेंगे ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब एक कंडीशन आप जानते हो कि अगर रोटेशन कंपोनेंट, और हम कब हमारा रोटेशन होगा कब ई रोटेशन होगा, तो वो तो हम देखते हैं। चलिए ओमेगा एक्स निकालते हैं। ओमेगा एक्स रोटेशन कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड होता है। अब देखो W जो कंपोनेंट है उसको एक बार Y के टर्म में क्या कर दो, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। W को Y के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आएगा ए एक्स माइनस वी को Z के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, Z के टर्म में करेंगे तो ए एक्स, मीन्स ओमेगा एक्स आपका आ रहा है जीरो। अब ओमेगा वाई निकालते हैं, फॉर्मूला वन बाई टू डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, ओके, विच इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू वन बाई टू, यू को जेड के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट करो ए वाई, माइनस डब्ल्यू को एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करो पार्शियली, दैट इज जीरो। ओमेगा वाई भी जीरो आ गया। ओमेगा जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन बाई टू एक्स वाई जेड डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो ओमेगा जेड क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू, वी को एक्स के टर्म में करें, वी को एक्स के टर्म में करेंगे तो ए जेड, माइनस यू को वाई के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, समथिंग रॉन्ग, नहीं ठीक है, वाई के टर्म में करेंगे तो ए जेड विच इज इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो आया, ठीक है। अब आप देखोगे तो आपको कंपोनेंट ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड तीनों कंपोनेंट आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। दिस मींस द फ्लो इज ई रोटेशन। हमने डिस्कस किया था इससे पहले लेक्चर में कि फ्लो आपका कब ई रोटेशन होगा, जब आपका कर्ल ऑफ वी जीरो होगा, जब आपका ओमेगा जीरो होगा, जब आपका काई मतलब वोर्टिसिटी जीरो होगा, इस सारे कंडीशन में फ्लो हमारा ई रोटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द थर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट। यू दिया हुआ है, वी दिया है, डब्ल्यू फाइंड करना है, ऑल्सो कमेंट वेदर द फ्लो इज रोटेशन और ई रोटेशन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सो गिवन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5, v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3, एंड w हमें पता नहीं है, तो w कैलकुलेट करना है। तो क्या किया जाए, इसके लिए हम यूज करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन बाय यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्यों कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ किया, देखो अपने पास यू वी डब्ल्यू, ऐसे में कोई भी अगर एक टर्म फाइंड करने के लिए बोल देना वेलोसिटी, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सबसे इजी होता है। फॉर एग्जांपल अपने पास यू है, अपने पास वी है, डब्ल्यू फाइंड करना था, डब्ल्यू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे कि देखना मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दो इसको पार्शियली, तो ये हो जाएगा 2x प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, 2y प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बचा, देखा। अब डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड को एक तरफ कर लो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस 2x प्लस 2y। ठीक है, अब एक काम करो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2y डी जेड, ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा, w इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x प्लस y z, इसको इंटीग्रेट करो तो आपका आ जाएगा प्लस आ गया, वेयर c विल बी अ क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसको आप निग्लेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और हम लिख दें यहाँ पे c विल बी ओमिटेड, देयरफॉर ओमेगा सॉरी इट्स w इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक था इसी में, ऑल्सो कमेंट वेदर द फ्लो इज रोटेशन और ई रोटेशनल। कैसे बताएं इसके लिए, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे इसे पहले किया हमने, डब्ल्यू एक्स ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड निकाला रोटेशन कंपोनेंट, अगर वो जीरो आ जा रहा तो हमारा ई रोटेशन हो जा रहा है। या फिर एक काम और कर सकते हैं हम, सेम वही चीज़ है एक्चुअली, मैं वहाँ ओमेगा के टर्म में आपको बताया था, यहाँ पे मैं आपको कर्ल के टर्म में, कर्ल ऑफ वी के टर्म में बताता हूँ, जिससे आपको कर्ल वाले क्वेश्चन भी करने आ जाएं। ठीक है, तो ये देखना, हम फॉर ई रोटेशनल, हम जानते हैं फॉर ई रोटेशनल फ्लो के लिए कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, विच इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, विच इज इक्वल टू वर्टिसिटी रोटेशन कंपोनेंट एंड दिस इज 1/2 कर्ल ऑफ वी, टू को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, जीरो होना चाहिए पता है हमें, और विच इज इक्वल टू आप ये किसके इक्वल होता है, आई कैप जे कैप के कैप यू वी डब्ल्यू डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। ये हमने इसे चेंज कर लिया, किस कर्ल ऑफ वी के टर्म में हमें फाइंड करना है इस स्टाइल से, तो हमने ये कर लिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब आप इसे लिख सकते हो ऐसे, कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू आई को, आई वाले इस टर्म को लेने आता है ना वो मैट्रिक्स सॉल्व करने, तो ये हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी, आई का लिया ना डेल वी, इट्स डेल वी डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई आई। ठीक है, प्लस ये टू है एक लिंग, थ्री हो जाएगा, मीन्स इवन ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है मीन्स माइनस। ठीक है, इसको इसको रहने देते हैं, इसको इससे डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स जे, ये है थ्री, थ्री प्लस वन फोर इवन है, मतलब प्लस प्लस लेके इसको और इसको छोड़ देंगे
डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब देखो कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू, अब एक काम करो आप, डेल वी अपॉन डेल जेड है ना, वी को जेड के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, जेड के टर्म में करोगे तो ये आपका आ जाएगा टू जेड। ठीक है, टू जेड माइनस डब्ल्यू को वाई के टर्म में, डब्ल्यू अभी आपका आया, ये डब्ल्यू नीचे आया है, वाई के टर्म में डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू मीन्स प्लस टू, ऐसा कुछ कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। जी हाँ, गड़बड़ ये है कि यहाँ पे हमारा एक टर्म छूट गया है, माइन ये जेड भी तो होगा साथ में, ध्यान देना इसको, ठीक है आप लोग। तो फिर ये देखो, ये हो जाएगा टू जेड और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस आई के लिए। अब जे के लिए देखें, यू को जेड से करें, टू जेड यू को जेड टू जेड माइनस डब्ल्यू को एक्स के टर्म में करेंगे तो टू जेड प्लस आई कैप जे कैप प्लस यू को वाई के टर्म में टू जेड, वी को एक्स के टर्म में, यहाँ देखो यू को वाई के टर्म में करना है, तो यू को वाई के टर्म में, वाई के टर्म नहीं है मीन्स ये जीरो हो जाएगा, माइनस वी को एक्स के टर्म में, एक्स ही नहीं जीरो हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मीन्स द कर्ल वेक्टर वी इज समथिंग रॉन्ग यार, समथिंग रॉन्ग, इट्स नॉट जीरो, एक्चुअली ये सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, जीरो ही होगा, एंड द कर्ल वेक्टर वी इज जीरो, देयर फॉर द फ्लो इज ई रोटेशन। ओके, देख लेना यहाँ पे, अगर कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो उसे सुधार लेना, वैसे मैट्रिक्स तरीके से ऐसे ही करते हैं। ओके, आई थिंक आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।